फ्रेंड्स तो कैसे आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए सास सोशल चैनल को और बगल के बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखें। हाय गाइस तो कैसे आप लोग, तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और एक्साइटिंग नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम इसमें करेंगे कुछ नई तरह की एडिटिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस पर जो है अपना फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो हमारी जो फ़ोटो है वो कुछ इस तरह की है, हम इसको यहाँ से कर लेते हैं ऐड। तो फ्रेंड्स आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि मेरे जो लाइटरूम में सेलेक्ट हुई वसन है वो मैंने कैसे ऑन किया, कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उसकी उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे उसे ईजिली Lightroom की फुल अनलॉक्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी जाके उसे देखिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे इस पिक को ऑन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले इस वाले टूल्स में। यहाँ पे जाने के बाद आपको नेचुरलाइजेशन को कर देनी है इसको 30 के आसपास, और उसके बाद कलर नेचुरलाइजेशन को भी 30 के आसपास कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम जाएंगे इसके सबसे पहले इस कलर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको टेम्परेचर को हल्का सा लो कर देना है, ठीक है, 8 के आसपास। उसकी वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे मिक्स वाले टूल्स में और इसकी हीज को कर देंगे बिल्कुल कम, हर सब कलर की हीज को कर देंगे माइनस में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस में कर देंगे और ग्रीन वाले को कर देंगे प्लस में, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले ब्लू वाले जो है आसमानी कलर को हम यहाँ से इस तरह से सैचुरेट कर लेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, और इस कलर को ब्लू के कलर को हम इसको भी माइनस में बिल्कुल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ से पिंक वाले में जाएंगे और इसकी ह्यूज को कर देंगे बिल्कुल प्लस में। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन, और उसके बाद हम इस पिक को कर लेंगे सेव, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इस पिक को यहीं पर दोबारा ऐड करेंगे, यहाँ से जाएंगे बैक, यहाँ से ऐड फोटो पर जाएंगे और इस फोटो को जो है हम दोबारा यहाँ से कर लेंगे ऐड। तो फ्रेंड्स इस फोटो को हमने कर लिया ऐड। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे दोबारा यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में, इसकी टेम्परेचर को हल्का सा लो कम करेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ, और इसकी वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे मिक्स वाले टूल्स में, तो यहाँ से ग्रीन वाले ह्यूज को कर देंगे बिल्कुल माइनस में, ठीक है फ्रेंड्स। इस वाले टूल्स को बिल्कुल ही कर देंगे हल्का सा प्लस में रहने देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हल्का सा बिल्कुल। इसको ब्लू वाले को हम यहाँ से कर देंगे कैसा माइनस में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, पिंक वाले को यूज कर देंगे प्लस में, ठीक है, और इसके लुमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे, यहाँ से कर देते हैं डन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सन वाले ऑप्शन में, यहाँ से हम इसकी हाइलाइट्स को बढ़ा देंगे और हाइलाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे और इसके ब्लैक्स को कर देंगे कम, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं कम नहीं फ्रेंड्स, इसको प्लस में रखना है, इस तरह से आपको कर देना है, और शेडोज को भी प्लस में रखना है, इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है। हमारी पिक यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे क्लैरिटी इसकी जो हल्का हल्का सब इंक्रीज कर लेंगे, हमारी पिक यहाँ पे बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। और हाँ फ्रेंड्स इसमें हम प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसमें एक आर्टिस्टिक फोर वाला जो है हम यहाँ से इसमें डाल देंगे इफेक्ट, तो आर्टिस्टिक फोर हमने डाल दिया और यहाँ से हम कर देते हैं डन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इसको पिक्सार्ट में शेयर कर देना है, शेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से डायरेक्ट पिक्सार्ट में कर देना है शेयर, यहाँ से आप इस तरह शेयर कर दें। यहाँ पे आपको जाना है एडिट में, और जो हमने अभी फोटो शेयर किया था तो ये उस फोटो को यहाँ से कर लेंगे ऐड, ठीक है फ्रेंड्स। आपको उसमें अब कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से जाना है एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद आपको यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है मिली टू, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके हम फेड को कर देंगे थोड़ा 50। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ब्रूसेस में, और उसके बाद हम आपको यहाँ से इस वाले ब्रूस को सिलेक्ट करके इस वाले टूल्स को आपको यहाँ से ऑप्शिटी इसको बिल्कुल 10 के आसपास रखनी है 3, और इसकी 50 कर देंगे, ठीक है, इसके ऑपोसिटी को। उसके बाद आपको इस तरह से इस पर चला लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको चला ले, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे पिक बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ में और इस पिक को कर लेंगे सेव,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू गाइस।